ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमें तीन दरवाज़ों को बंद करना है। मन के तीन दरवाज़ों को बंद करना है। सबसे पहला दरवाज़ा है देह की स्मृति, अर्थात मैं कौन हूँ। क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरा पोस्ट पोजिशन क्या है, उसका कोई कनेक्शन है। याद किसको करना है? आत्मा को, परमात्मा को याद करना है। तो इस देह की स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला दरवाज़ा है इस देह की स्मृति का, अर्थात कोई भी प्रकार का अभिमान अपने अंदर न रहे। इसीलिए कहा गीता में एक ही सेंटेंस के अंदर कि देह और देह के संबंधों को भूलो। क्योंकि जहाँ देह की स्मृति है, मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट याद आएंगे। मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट्स याद आएंगे। मैं बाप हूँ तो बच्चे याद आएंगे। देह का संबंध भौतिक जगत के साथ है। तो जब तक ये देह की स्मृति है तब तक हमें भौतिक जगत की, भौतिक विनाशी संबंधों की ही याद आती रहेंगी। इसलिए सबसे पहला दरवाज़ा है देह की स्मृति का दरवाज़ा। दूसरा दरवाज़ा है देह के संबंधियों की स्मृति का दरवाज़ा। कोई भी देह का संबंध ही याद न आए। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे आसपास है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उसकी तो याद हमें योग में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ये मन जब शांत बैठता है ना, तो कहाँ 10 साल पीछे भी चला जाता है, 20 साल। तो 10 साल पहले जो शरीर छोड़कर गए हैं और वो हमें अर्थात 10 साल पहले मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं जब योग में बैठते हैं। तो इसका अर्थ, इसका कारण क्या है? अभी तक भी उस आत्मा के साथ हमारी रग जुटी हुई है, उस आत्मा के साथ हमारा मोह है। भले वो शरीर से तो चली गई, लेकिन उस आत्मा के साथ हमारी रग जुटी है। तो दूसरा दरवाज़ा है देह के संबंधियों की स्मृति का दरवाज़ा। और तीसरा दरवाज़ा है, वो है देह के पदार्थों की आकर्षण। देह की स्मृति, देह के संबंधियों की स्मृति योग में इतना डिस्टर्ब नहीं करती है जितना दैहिक पदार्थों की आकर्षण हमें डिस्टर्ब करती है। विदेश में एक बहुत अच्छा शब्द कहते हैं, विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का मीनिंग क्या होता है? मान लो हम कहीं मार्केट में गए, बाज़ार में गए, किसी शोरूम के अंदर बहुत अच्छी चीज़ देखी और वो चीज़ हमको पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी, पसंद आ गई। किसी भी कारण से, चाहे उसका दाम ज़्यादा है, चाहे हमारे पॉकेट में इतना पैसा नहीं है, हमने उस चीज़ को परचेज नहीं किया, छोड़ दिया और आ गए। जब हम योग में बैठते हैं, हम शोरूम में पहुंच जाते हैं।
बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत बढ़िया चीज़ थी, लेने जैसी थी, लेकिन दाम ज़्यादा था। ये है विंडो शॉपिंग। तो इस रीति से मन दैहिक पदार्थों की आकर्षण, योग में बैठे भी हम वहाँ पहुँच जाते हैं, वो देखी हुई चीज़ वस्तुएँ हमको याद आती हैं। और मन का एक स्वभाव है, जब तक हम काम में व्यस्त होते हैं तब हमें कुछ याद नहीं आता है, लेकिन जब शांति से बैठते हैं याद करने के लिए तब क्या क्या बातें याद आती, जैसे कि बहुत सारी बातें याद आती रहती हैं। और इसलिए ये तीन दरवाज़ों को बंद करना ये बहुत आवश्यक है। फिर भी ये तीन दरवाज़ों को तो बंद कर दिया और तभी हमारी वन वे ट्रैफिक शुरू होती है, बाबा की याद। लेकिन जैसे घर के अंदर एक छोटा बच्चा होता है घुटनों के बल से चलने वाला, तो वो भी क्या करता है, कमरे में खेल रहा होता है, लेकिन जहाँ वो कहीं दरवाज़ा खुला देखता है तो पहले वहीं पर जाएगा, बल्कि कितने भी खिलौने पड़े होंगे लेकिन जाएगा दरवाजे के पास। माँ जब दरवाज़ा बंद कर देती है तो खेलता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद ध्यान तो वहीं जाएगा कि दरवाज़ा खुले, मैं बाहर भागूं। मन भी ऐसा ही है, छोटे बच्चे के समान है। तो ये तीन दरवाज़ों को तो बंद कर दिया, लेकिन फिर अटेंशन रूपी पहरा रखना पड़ेगा। अटेंशन, तो अटेंशन रूपी पहरा देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वापस से मन कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखना जरूरी है कि तीन दरवाज़ों को बंद करें और तभी हम बाबा की याद में लवलीन हो सकते हैं।